Aswad is a true flag bearer of Maharashtrian food. Every time I go there and I meet Suryakant ji, कुछ ना कुछ नया उन्होंने महाराष्ट्रियन खाने के साथ इजाद किया होता है और आज जो हम डिश बनाने वाले हैं वो उनकी कोथंबीर वड़ी को एक नया ट्विस्ट देके बनाने वाले हैं। सबसे पहले बेसन, बेसन के बाद डालेंगे इसमें हल्दी, के बाद थोड़ा क्रश किया हुआ धनिया, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट और अब आपको बताते हैं ट्विस्ट के बारे में। भाई कोथंबीर वड़ी तो आपने खाई है, हम कोथंबीर वड़ी का सूफले बनाएंगे। वाओ, विद पार्मेसान चीज, थोड़ा दही, नमक। बस हमने नमक इसलिए कम डाला है क्योंकि इसमें पार्मेसान चीज है विच इज सॉल्टी इन इटसेल्फ। थोड़ा सा ब्लैक पेपर। इसको सूफले बनाने के लिए हम इसके अंदर फोल्ड करेंगे बीटन एग वाइट, फिटा हुआ अंडा, जिसको हम फेटते गए जब तक वो ऐसे सॉफ्ट पीक स्टेज पर नहीं पहुंचा। सबसे पहले थोड़ा सा एग वाइट डाल के एक होमोजेनस मिक्सचर बना लेंगे। अब धीरे धीरे इसमें एग वाइट डालते जाएंगे और इसको फोल्ड करते जाएंगे, कट एंड फोल्ड। चलिए तैयार है, अवन को प्रीहीट कर लेते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा बटर लगा के इसको फ्रिज में रखा था, उसके बाद फ्लावर में रोल कर दिया है। ये मैदे ने एक इवन सी कोटिंग बना ली है। इसके बाद हम अपने सूफले का मिक्सचर जो है बड़े ध्यान से अपने रैमकिन में भरेंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी पार्मेसान चीज और थोड़ा कश्मीरी मिर्च पाउडर। अब हम एयर फ्रायर में डाल देंगे अपना सूफले। टेम्परेचर करेंगे थोड़ा कम, 165 इज अ गुड इनफ टेम्परेचर। धीरे धीरे उसको बढ़ने देंगे 5 से 7 मिनट। अक्षता, कैन यू स्मेल द पार्मेसान चीज? यस आई कैन। इट मींस द सूफले इज रेडी। वी नीड टू बी Very delicate with it. इसमें हमने आधा बोल बैटर डाला था। Look at the rise. How far it has risen. That's because of the egg white. We got a attack. But sorry. पहले. So this is a really light and airy and delicious take on the Kothambir varis which you're all used to. Thanks to chef.